अगर किसी ने मेरे साथ कोई मेहरबानी की है और अगर हम जेन में ये बिठा ले कि इसने अगर मेरे साथ मेहरबानी की है तो मुझे इसको पे बैक करना है, तो वो तो बिजनेस हो गया ना आपके ख्याल। हाँ, तो बिजनेस में कोई सवाल किया, बिजनेस में कोई बुरी बात नहीं होती। देखिए, बिजनेस में लेन देन होता है और प्रॉफिट जनरेट होता है जी। और हम सब लोग बिजनेस करते हैं, और चूंकि माजी बईद में बिजनेस होता नहीं था तो ये नई कदर है। पहले लोग बिजनेस नहीं करते थे, किसी ने किसी को गेहूं दे दिए, उसने उसके बदले में चावल दे दिए, तो वो बार्टर सिस्टम था। और जब फिर बिजनेस आया तो बिजनेस की दुनिया में ये लेन देन होता है जिसमें से कोई प्रॉफिटेबिलिटी जन्म लेती है एक बंदे के लिए, और खिदमात या मज़ा या तसल्ली जन्म लेती है दूसरे बंदे के लिए। तो बेसिकली अगर वो बिजनेस विन विन हो तो फिर बिजनेस में कोई बुराई नहीं है। और दुनिया में जो कामयाबी का जो पैमाना है वो लेन देन के हवाले से ऑनेस्ट होने की तरफ है जी सर। और जो लोग भी जिंदगी में कामयाब होते हैं उसमें उनमें जो सबसे आला ट्रेट होता है कि वो अपने साथ और दूसरों के साथ बराबर के ऑनेस्ट होते हैं, ना वो खुद को इग्नोर करते हैं वो ना दूसरों को इग्नोर करते हैं, और वो लेन देन में बिल्कुल तराजू के पलड़े बराबर रखते हैं, चाहे जो मध्य मुकाबल है वो कॉन्शियस हो या ना हो, वो अज खुद दूसरों के हकूक जो हैं देने के लिए तैयार रहते हैं, इससे पहले कि कोई एहतजाज करे और इससे पहले कि किसी को पता चले कि उसके साथ हाथ हुआ है, तो वो ऐसा मौका ही नहीं आने देते। वो हमेशा तराजू के पलड़े बराबर रखते हैं। और अगर हम अपने घरों में ये ख्याल रखें या अपनी वर्क प्लेस पर भी ये ख्याल रखें या मुआशरे में ये ख्याल रखें, तो मैं आपको बताऊँ कि दुनिया में जिन मुआशरों की तरफ हम रश की नज़र से देखते हैं वहाँ ऐसा बदरजा उत्तम पाया जाता है कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और उसमें ये बिजनेस वाली बात भी अगर है जी। तो ये बिजनेस कोई बुरी बात नहीं होती। अभी भी आप देखें कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी निस्बत उन ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा समझा जाता है जो NGOs हैं, जिसमें फंडिंग होती है, फंडिंग कोई करता है, खिदमात किसी को मिलती है और बीच के लोग वहाँ भी फायदा उठा रहे होते हैं जी। लेकिन जो रीसेंट ट्रेंड है अगर आप देखें तो UK में बल्कि पूरे यूरोप में और अमेरिका में कनाडा में नई NGOs रजिस्टर्ड नहीं हो रही हैं, और उसको डिस्करेज किया जाता है, बिजनेसेस को इनक्रेज किया जाता है। अमेरिका में हर रोज़ नए नए बिजनेसेस उभरते हैं क्योंकि बिजनेसेस तरक्की का पेश खैमा होते हैं। आप देखिए कि आखिरकार जो चीज़ मुनाफे के बगैर होती है उसमें खसारा पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने खबर सुनी होगी कि यूटिलिटी स्टोर्स जो कि हज़ारों की तादाद में थे, खसारे की वजह से उन्हें बंद किया जा रहा है। तो जब आप हज़ारों की तादाद में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करेंगे और अगर एक यूटिलिटी स्टोर से 10 लोगों का रोज़गार वाबस्ता है तो ये 14,000 हैं जो स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं, तो उनकी फिर फैमिलीज़ हैं, फिर उनके जो लेन देन करने वाले लोग हैं, जो उनके ग्राहक हैं जिनको सस्ता सौदा मिल जाता था, तो खसारा जो है NGO में एक आम चीज़ है। और आखिरकार NGOs इसीलिए फेड अवे हो जाती हैं कि फंडिंग कोई करता है और जो फ़ायदा है कोई और शख्स उठाता है, और बीच के लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात नुकसान की तरफ भी चले जाते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं लगाया। बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं, सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है।
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।